आखिर गुढ़ा कर रहे हैं किस लाल डायरी का जिक्र? लाल डायरी है किसके खतरे की घंटी? लाल डायरी में छिपे हैं गहलोत सरकार के कौन से राज? राजस्थान की राजनीति में अब लाल डायरी की एंट्री हो गई है। अब ये लाल डायरी तो जैसे कोहिनूर का हीरा हो गई है, जिसकी तलाश सभी को है। मंत्री पद से बर्खास्तगी के बाद गुढ़ा ने सीएम गहलोत पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि मुझे दुख हो रहा है, एक लाल डायरी थी, अगर मैं उसे नहीं निकालता तो शायद गहलोत साहब की उसी दिन छुट्टी हो जाती, आज ये दिन मुझे नहीं देखना पड़ता। आखिर गुढ़ा किस लाल डायरी की बात कर रहे हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल गहलोत सरकार में आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ के यहाँ ईडी ने छापा मारा था। राजेंद्र गुढ़ा का दावा है कि सीएम गहलोत ने उनसे कहा था कि धर्मेंद्र राठौड़ के यहाँ से हर हाल में लाल रंग की डायरी ले आओ। गुढ़ा का दावा है कि वो इस डायरी को लेकर आए थे। उनका कहना है कि जब वो डायरी ले आए तो गहलोत ने बार बार पूछा कि उसे जला दिया या नहीं। गुड़ा का ये भी कहना है कि सरकार के काले राज उस लाल डायरी में नहीं होते तो सीएम गहलोत उसे क्यों जलवाते। जब वो लाल डायरी गुड़ा ले आए तो गुड़ा के अनुसार सीएम गहलोत ने उनसे कहा था, गुड़ा यार तेरे को तो हॉलीवुड में होना चाहिए, कमाल कर दिया, ये तो सर्जिकल स्ट्राइक है। गुड़ा के लाल डायरी के जिक्र के बाद बीजेपी भी गहलोत सरकार पर हमलावर हो गई है। बीजेपी राजस्थान ने इसे लेकर ट्वीट करते हुए लिखा कि गहलोत की काली करतूत वाली लाल डायरी। तो वहीं राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने लिखा, मुख्यमंत्री जी इस लाल डायरी का सच क्या है, लाल डायरी में भगवान किसे कहा गया। आपको बता दें कि शुक्रवार को विधानसभा सत्र के दौरान राजेंद्र गुढ़ा ने महिला अत्याचारों को लेकर सरकार के खिलाफ जाकर अपनी बात कही थी, जिसके चलते 6 घंटे के अंदर ही उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया, जिसके बाद से ही राजस्थान की राजनीति में गुढ़ा को लेकर तमाम चर्चाएं होने लगी। अब जब गुढ़ा ने उस लाल डायरी का जिक्र किया है, तब से लाल डायरी चर्चाओं में बनी हुई है। आपका राजेंद्र गुढ़ा को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।